केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने बनाया छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य। भिलाई में ईडी की टीम ने महानेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों के ठिकानों पर दी दबिश। दुर्ग में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। देश भर में शारदीय नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा, देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने कई फैसले लिए गए। यहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से भाजपा उम्मीदवार डॉ. रमन सिंह के नामांकन दाखिले में शामिल होने अमित शाह ने परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में 150 दिन तक रोजगारी देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना था, वहीं महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने शाह का स्वागत किया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, भूपेश सरकार ने राजनांदगांव के साथ छल और धोखा किया है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव अंचल से 4 उम्मीदवार सोमवार को नामांकन दाखिल कर चुके हैं और जिनमें शहर से रमन सिंह, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरत वर्मा और खुज्जी से गीता खासी साहू शामिल हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्री सिंह 3 बार राजनांदगांव विधानसभा सीट जीत चुके हैं और 4थी बार जनता के बीच हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके 15 साल के विकास कार्य और मौजूदा राज्य सरकार की 5 साल की विफलताएं उनकी जीत का आधार है। जनता पार्टी की आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया माननीय अमित शाह जी, इस नॉमिनेशन में हम सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने जिले के 4 प्रत्याशी हमारे और 4ों प्रत्याशी के लिए डोंगरगढ़, राजनांदगांव और खुच्ची 4ों प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की और शानदार सभा के माध्यम से हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है और वहां से आया। वहीं राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा उपस्थित थे। गिरीश देवांगन राजनांदगांव से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान गिरीश देवांगन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही होने के नाते वे हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
साल के शासनकाल को हटाकर कांग्रेस का शासन लाना भी, सरकार लाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था, जिसको हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने सब मिलजुल कर और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से उसको पूरा किया है। तो आज एक चुनौती मिली है राजनांदगांव के रूप में, जिसमें 15 साल के मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हाईकमांड के निर्देश पर यहाँ चुनाव लड़ रहा है पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। तो यहाँ हमारे जो साथी है राजनांदगांव के और यहाँ की जो जनता है वो जान रही है कि किसके सिर पे मुकुट रखना है और जीत हमारी ही होगी। इधर कांकेर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। यहां भाजपा प्रत्याशी आशाराम और कांग्रेस प्रत्याशी शंकर धुरवा ने आज नामांकन फॉर्म खरीदा। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ कांकेर कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी शंकर धुरवा ने बताया कि 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा कराने आएंगे। वहीं आशाराम ने कहा कि 19 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय नेता तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा कराने के लिए आएंगे जनता का, और उनके जो प्रचार प्रसार में अपन निकलेंगे। अब उनको खुद में विश्वास नहीं तो हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी चाहे हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, मेरे ऊपर अब विश्वास किया है और मुझे कांकेर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बनाया है। आज मैं नामांकन फार्म लिया हूँ और 17 तारीख को एक सीट डाल दूंगा और 18 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, तो तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रत्याशी और कार्यकर्ता एक साथ जुलूस के रूप में आएंगे और पुनः 18 तारीख को एक आवेदन सेट और डालेंगे। उल्लेखनीय है कि कांकेर अंचल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर आज सुबह 7 बजे दबिश दी। यहां नगर निगम में सफाई के बड़े ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप और उनके व्यवसायी भाई गिरीश सावलानी सहित विभिन्न लोगों के ठिकानों पर ईडी के अफसर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। यह दबिश महादेव सट्टा के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के संबंधों को लेकर है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम नेहरू नगर स्थित सावलानी बंधुओं के निवास और आकाश गंगा सुपेला स्थित उनकी फर्म राम ट्रेडर्स, भिलाई 3 पदुम नगर स्थित पटाखा व्यवसायी सुरेश धिंगानी, चावल व्यवसायी सुंदरनगर उत्सव भवन के पास निवासी सुरेश कुकरेजा, भरत मेडिकल स्टोर सुपेला के भरत रावलानी, व्यवसायी विकास बत्रा, दुल्हे राजा चौहान स्टेट के निवास बाबा दीप सिंह नगर पर ईडी की टीम पहुंची है। नगर निगम भिलाई और रिसाली क्षेत्र के गार्डन में कुर्सियां और झूले सप्लाई कराने के अलावा निगम के ठेकेदार दीपक सावलानी के भाई की आकाश गंगा सुपेला में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। ईडी के 3 अफसरों की टीम आज सुबह 7 बजे सावलानी बंधुओं के नेहरू नगर आवास पहुंची। ईडी को जानकारी मिली कि महादेव बुक के संचालक का पार्टनर बनकर दीपक सावलानी ने नेहरू नगर चौक पर ढिल्लन होटल के बगल में चौपाटी भी खोली थी। इसके अलावा सावलानी पूर्व में सौरभ चंद्राकर की जूस फैक्ट्री में पार्टनर भी रहा है। पिछले साल ही दीपक ने अपना नाम बदलकर जयदीप किया और नए नाम से पासपोर्ट बनाकर दुबई भी गया था। शत प्रतिशत मतदान के लिए दुर्ग जिला निर्वाचन विभाग द्वारा नवरात्र पर्व पर मतदाता जागरूकता संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। 9 दिनों तक चलने वाले इस संकल्प अभियान के तहत नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु संकल्प दिलाया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बासिन में भी महिलाओं के बिना किसी लालच और भय के निष्पक्ष रूप से मतदान पर्व में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को संकल्प भी दिलाया गया है। लालच या प्रलोभन में आकर अगर मत का प्रयोग करते हैं तो आगे जाके पछताना हम ही को पड़ेगा। तो हम अपना मताधिकार का सही प्रयोग करेंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे। अपने आसपास के सभी बहनों को हम इसके लिए जागरूक करेंगे कि सही मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता के मन है शपथ ले हैं कि हमन अच्छा से मतदान करबो, सब लोग मतदान करे बार जागरूक करबो और बिना कुछ लालच के मतदान ला हमन है पूर्ण करबो करके। सब पूरा राज्य के में आदमी मला औरत मला सब जान ला पूरा दीदी बहनी भाई मला सब ला ये बोला था कि कोई भी लालच में आके ये सब मतदाता है
वो कोई मत दो अपन मन से अब अच्छा सरकार ही चुने ताकि आगे भविष्य अच्छा हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी मतदान के लिए सुनिश्चित करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई है और समाज के हर तबके को इस अभियान से जोड़ने के लिए नवरात्रों पर मतदाता संकल्प अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हर दिन एक अलग थीम रखी हुई है और उस थीम के ऊपर संबंधित जो लोग हैं उनसे संकल्प कराया जा रहा है कि वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना जो मतदान की शक्ति है उसका अवश्य प्रयोग करें। ये कार्यक्रम हमने कल से स्टार्ट किया है और ये पूरे नवरात्रा तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थानों पर भी मतदान जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। कोंडा गांव में प्रेस क्लब एवं मीडिया फेडरेशन के पत्रकारों ने साप्ताहिक बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्विप नोडल अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में आमजन को शत प्रतिशत मतदान हेतु प्रेरित किया गया। स्थानीय ग्राम देवी माँ शीतला माता मंदिर परिसर में इस मुहिम की शुरुआत की गई और इसके साथ ही विभिन्न मार्गों से होते हुए बाजार के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीणों तक पहुंचकर चुनावों में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। प्रेस क्लब एवं मीडिया फेडरेशन के अध्यक्ष इसरार अहमद के नेतृत्व में साप्ताहिक बाजार में हर वर्ग एवं हर उम्र के मतदाता को जोड़कर जागरूक करने का प्रयास किया गया। तांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की निर्भीक होकर धर्म भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना भारत माता की। कवर्धा के विकासखंड बोडला स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम धंडबरा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत घर घर संपर्क किया गया तथा बैगा आदिवासी परिवार के मतदाताओं को वोट डालने शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया जिस पर पूरे बैगा समुदाय ने मताधिकार का प्रयोग करने का वचन दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मजय महोबे के मार्गदर्शन में तथा स्विप कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल के नेतृत्व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरबना कला के विद्यार्थियों राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों तथा एनसीसी कैडेट्स ने ग्राम खैरबना कला से लेकर ग्राम धंडबरा तक साइकिल रैली निकाली तथा ग्राम धंडबरा जाकर बैगा समुदाय से घर घर संपर्क कर उन्हें जागरूक भी किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय जवाहर संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमारे जम्मो दर्शक मन की स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ दर्शन देखते रहिए हर रविवार शाम 4:15 बजे दूरदर्शन रायपुर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें रायपुर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस परेड ग्राउंड से सशस्त्र सेवा बल के जवान और पुलिस के आला अफसरों सहित सभी थानों के प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। CRPF और पुलिस जवानों को रायपुर शहर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने चुनाव से संबंधित सारी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यह फ्लैग मार्च के दौरान पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को समझाइश दी जाएगी और शांति बनाए रखने की भी अपील की जाएगी। कि असामाजिक तत्वों पर लगाम रहे। पुलिस की चेकिंग भी बढ़ाई गई है। जिले के जो अंतर जिला बॉर्डर्स हैं वहाँ के नाका एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग 7 विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिव किए गए हैं। उसके साथ साथ शहर में शाम को और अलग अलग समय पर चेकिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में एक फ्लैग मार्च का आयोजन आज किया गया जिसमें शहर के सभी
थाना प्रभारी सभी गजेटेड ऑफिसर्स शहर का भ्रमण एक साथ मिलकर के करेंगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, ताकि असामाजिक तत्वों पर दबाव रहे और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इसी तरह महासमुंद पुलिस व जिला प्रशासन के संयुक्त कार्यक्रम के तहत पुलिस ने महासमुंद नगर में फ्लैग मार्च किया, जिसमें 150 पुलिस अधिकारी व जवान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संयुक्त रूप से शामिल थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंज ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने यह फ्लैग मार्च किया गया। हमारे लगभग 150 के जो बल है, जिसमें हमारे नगर सेना के सेनानी साहब भी हैं और पूरी सीएफ की टीम है, सभी टीम इसमें शामिल हुए। लगभग 150 का बल इसमें शामिल रहेगा और प्रशासन के मजिस्ट्रेट साहबान और सभी शामिल हैं इसमें। गौरतलब है कि यह फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर तुमगांव ओवरब्रिज होते हुए पुलिस कंट्रोल आकर समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस की सूची में कोरबा विधानसभा से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में अपनी चुनावी रणनीति पर बात की। हमारी पार्टी में जिन विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर मिला उनकी टिकटें बदली की जा रही हैं, और जो पार्टी ने AICC ने भी सर्वे कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया, जिन सर्वे में जो प्रत्याशियों की स्थिति देखी गई उसमें बहुत ऐसे कम प्रत्याशी थे, जिसमें एक मैं भी था, जिसको स्थिति को देख के मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए मैंने कहा है कि तीन चुनाव मैंने जीते हैं और किन किन परिस्थितियों में जीते हैं आप इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे पहले शनिवार 14 अक्टूबर को झारखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव और बिलासपुर संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव कोरबा प्रवास पर रहे। चारों विधानसभा प्रत्याशियों की मौजूदगी में इन प्रतिनिधियों ने तैयारी को लेकर बैठक लेने के साथ ही जीत को लेकर भी रणनीति बनाई। संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव ने बताया कि चुनाव में कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। 30 दिन अब हमारे पास शेष है और इसको लेकर कोरबा जिले में जो चार विधानसभा है इसकी कैंडिडेट्स के साथ आज बैठक भी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। यहाँ पर हमारे सेंट्रल की तरफ से समीर उराव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ST मोर्चा के, वो चुनाव का काम देख रहे हैं। इस बार हम लोग चारों सीट कोरबा जिले में जीतेंगे और इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को माओवाद प्रभावित 20 विधानसभा सीटों पर किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आज दुनिया भर में विश्व एंडोडोंटिक्स डे मनाया जा रहा है। दंत चिकित्सा में विशेषकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जानकारी को बढ़ावा देने और दांतों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने यह दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में दंत चिकित्सकों की ओर से जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। राजधानी रायपुर की दंत चिकित्सक डॉक्टर कृष्णा व्यास ने इस दिवस के महत्व की जानकारी दी। आज के दिन 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एंडोडोंटिक डे माने रूट कैनाल डे मना रहे हैं, क्योंकि हमारा दांत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो दांतों को हमेशा सुरक्षित रखें और दांतों का ख्याल रखें। तो दांतों को हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करें, इसके साथ फ्लॉसिंग भी करें ताकि दांतों के बीच में खाना ना फंसे और कैविटीज ना बने, और ज़रूर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से मिलिएगा। अगर कुछ कैविटीज है छोटे छोटे तो इमीडिएटली उनमें फिलिंग करवाइएगा, और अगर बड़ा कैविटी है, दांत में दर्द है या इन्फेक्शन है या मुंह में सूजन है या बाहर से सूजन है तो भी डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ज़माने में इन दांतों को निकाला जाता था, लेकिन अभी हम साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, इन सब कंडीशंस में भी दांतों को बचाया जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके। यही अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं आज के दिन कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें और बचा के रखें, क्योंकि यहीं से ही मुंह से ही अपना हेल्थ का शुरुआत चालू होता है। गौरतलब है कि दंत चिकित्सा के प्रति जनमानस को जागरूक करने चिकित्सकों की ओर से आज विविध आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें संवाद के माध्यम से जनमानस को विषय से संदर्भित जानकारी दी गई।
भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक अभिनव पड़ाव पार कर लिया है। रेलवे ने बिहार के सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 100% पूरा कर लिया है। कुल 1,337 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाड़ियों का परिवहन होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय रेल ने रचा इतिहास। सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक 1,337 किलोमीटर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार। तकरीबन 51,000 करोड़ की लागत से तैयार EDFC से पावर हाउसों को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो 1,337 किलोमीटर लंबा है उसका कार्य पूरा हो चुका है। यह ईस्टर्न कॉरिडोर बिहार के सोननगर से प्रारंभ होता है, DDU इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, टूंडला होते हुए दादरी दिल्ली तक आता है और फिर आगे लुधियाना तक जाता है। ये रूट देखा जाए तो हमारे कोल मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूट है। इसके अलावा इस पे फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, स्टील, सीमेंट और अन्य चीज़ों का भी मूवमेंट होता है। पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाड़ियां चलेंगी, जिसमें 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं, जिसका सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को होगा। इस कॉरिडोर पर सामान्य ट्रैक से दुगनी स्पीड यानी तकरीबन 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। सबसे बड़ी बात कि यात्री गाड़ियों की ट्रैक से मालगाड़ियां कम हो जाएंगी, जिससे यात्री गाड़ियों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और दुरुस्त होंगी। जो मालगाड़ी एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे रूट पे चलती थी वो DFC पे आ गई है। इससे एग्जिस्टिंग रूट्स में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और साथ ही उसके अंदर नई ट्रेनों को चलाने के लिए लाइन कैपेसिटी में गुंजाइश मिलेगी। वहीं अगर WDFC यानी वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो यह भी 70% बन चुका है और इसे वित्त वर्ष में 95% बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है। अब तक DFC कॉरिडोर पर 1,30,000 मालगाड़ियां परिचालित की जा चुकी हैं, जिसमें पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 75,000 मालगाड़ियां और पश्चिमी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 56,000 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। काछन यात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ स्थानीय काछनगुड़ी में हुआ। 6 साल की पीहू साहू पर आरूढ़ काछन देवी ने बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव को बेल काटे के झूले में सवार होकर निर्विघ्न दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी। इस ऐतिहासिक पर्व की शुरुआत पर जन सैलाब उमड़ा। परंपरा अनुसार गोल बाजार में रैला देवी की भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राजपरिवार के प्रतिनिधि कमल चंद भंजदेव ने बस्तर दशहरा पर्व की परंपरा पर जानकारी दी। ऐतिहासिक इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6वां वर्ष है इस बार, जिसमें आराध्यमय दंतेश्वरी, साथ साथ जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद और साथ साथ पितरों का। अगर हम पितरों की बात करते हैं तो काछन और रैला हमारे घर की बेटियां थी, जिन्होंने आत्मदाह किया, उनकी पवित्र आत्मा इसी जगहों पे उपस्थित है, जो कि हम काछनगुड़ी के नाम से और रैला माता गुड़ी के नाम से जानते हैं। और ये आराध्य स्थानीय देवी देवताओं के नाम से इनको पूजा जाता है। आज भी बस्तर संभाग में इन्हीं की पूजा करते हैं और साथ साथ बनका जाति की जो लड़की हमारी उनके ऊपर इनका विराजमान होते हैं ये दोनों जगह पर, काछन रैला। और हमारे घर की बेटियां तो आज पितृपक्ष का अंतिम दिवस भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पितरों की पूजा करे बिना हमारे शास्त्रों में भी नहीं है। तो ये परंपरा प्रभु की बनाई हुई है कि उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं कि आने वाले समय बस्तर दशहरा और साथ साथ जितने हमारे रीति रिवाज है, चाहे वो कलश स्थापना हो, चाहे रथ की परिक्रमा हो, चाहे जितने भी बस्तर दशहरा के कार्यक्रम है, उसे यथावत हम बंधाते जाए। उनका आशीर्वाद के स्वरूप में उन्होंने माला दिया और साथ साथ काछन और रैला माता दोनों माला के स्वरूप में आशीर्वाद देती है और ये परंपरा 600 वर्ष से चली आ रही है। इधर बस्तर संस्कृति के जानकार रुद्र नारायण पाणिग्रही ने बताया कि काछन गादी का शाब्दिक अर्थ देवी को गादी अर्थात गद्दी आसन प्रदान करना है। काछन देवी रण की देवी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार एक विशेष समुदाय की बालिका पर काछन देवी आरूढ़ होती है। काछन गुड़ी में रस्म पूरा होने के बाद शहर के गोल बाजार में रैला देवी का पूजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इस मौके पर विधायक रेख चंद जैन, राजगुरु नवीन ठाकुर, राज परिवार के सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
देश भर में शारदीय नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। नवगठित शक्ति जिले के चंद्रहासनी मंदिर में 10 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहेगा। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों में आस्था के दीप जगमगा रहे हैं। मां चंद्रहासनी मंदिर में गोपाल जी महाप्रभु एवं मां चंद्रहासनी ट्रस्ट ने विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की है। यहां करीब 1500 तेल ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इनमें स्थानीय के अलावा देश विदेश से भी लोगों ने ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए हैं। नवरात्रि पर्व पर दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में चंद्रहासनी मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी। ऊपर चंद्रपुर में यहाँ चंद्रहासनी देवी मंदिर नंबर 2 का ज्योति कलश है। यहाँ 4 जगह में ज्योति कलश जलता है 4 नंबर तक, और यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं लोग, देखते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन रविवार को सुबह मां चंद्रहासनी मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकली और नगर भ्रमण कर कलश यात्रा महानदी से जल भरकर पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। दोपहर को मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना हुई। नवरात्रि पर्व पर मंदिर में 10 पंडितों ने शतचंडी पाठ किया। मां चंद्रहासनी के दरबार में 108 दीपों की महाआरती हुई। शहर के समलाई मंदिर, बूढ़ी माई मंदिर, अनाथालय दुर्गा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी नवरात्रि पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके लिए पहले से तैयारी कर ली गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने बनाया छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य। भिलाई में ईडी की टीम ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े आधा दर्जन से अधिक लोगों के ठिकानों पर दी दबिश। दुर्ग में 100% मतदान के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। और देश भर में शारदीय नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।